पंजाब से जिला कांगड़ा में ईंटें लाकर बेचने की शिकायतें खाद्य आपूर्ति विभाग को मिल रही हैं, जिस पर विभाग कार्रवाई करने जा रहा है। जानकारी के अनुसार ईंट भट्टे वाले ही ईंटें बेच सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला में कई लोग ईंटों को डंप करके या पंजाब से ईंटें लाकर बेच रहे हैं। इस संबंध में विभाग को भी शिकायतें मिली हैं। गौरतलब है कि इससे पहले गत वर्ष भी विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी, जिस पर जनवरी माह में विभाग ने 8 लोगों के खिलाफ नूरपुर पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। उधर ईंट भट्टा एसोसिएशन सरकार से बाहर से ईंटें लाकर बेचने वाले लगाम कसने की गुहार लगा चुकी है। ईंट भट्टों के लाइसेंस खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा ब्रिक कंट्रोल ऑर्डर 1969 के अंतर्गत दिए जाते रहे हैं, जिसका फायदा उठाकर कुछ डंप वालों ने लाइसेंस ले लिए, जिसके चलते ईंट भट्टा एसोसिएशन ने नुकसान को देखते हुए सरकार से अमेंडमेंट करवा ली थी। ऐसे में डंप वाले बाहर हो गए तथा केवल जिसके पास ईंट भट्टा होगा वो ही ईंट का व्यापार कर सकता था। 2 साल पहले फिर से लोग हाईकोर्ट में गए थे, जिस पर सरकार ने हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर इसमें संशोधन कर दिया, जिससे जो भी व्यक्ति ईंटों का कारोबार करना चाहता था उसे लाइसेंस दिए जाने लगा। इसके बाद ईंट भट्टा एसोसिएशन ने फिर न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से सरकार द्वारा किए गए संशोधन पर स्टे लग गया, जिसके चलते डंप के जो लाइसेंस दिए थे उन्हें रिन्यू नहीं किया गया और पिछले लाइसेंस कैंसिल हो गए। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक नरेंद्र धीमान ने कहा कि विभाग को पिछले साल नवंबर दिसंबर शिकायतें मिली थी, जिनके अपने ईंट भट्टे नहीं हैं, वो पंजाब से ईंटें लाकर बेच रहे हैं, जिस पर जनवरी माह में 8 लोगों के खिलाफ FIR नूरपुर पुलिस थाना में दर्ज की है, जिसका चालान पुलिस कोर्ट में पेश करेगी। अब पुनः ऐसी ही शिकायत आई है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। डंप करने वालों पर तो हम कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन गाड़ियों से ईंटें ट्रांसफर करने वालों पर हमें कार्रवाई करना मुश्किल होगा। देखिए, ये जो ईंट भट्टे वाली बात कर रहे हैं आप, ये ईंट भट्टों के लाइसेंसेस डिपार्टमेंट द्वारा दिए जाते रहे हैं ब्रिक्स कंट्रोल एक्ट कंट्रोल ऑर्डर 1969 के अंतर्गत। उसके पश्चात ऐसा हुआ कि उसमें एक थोड़ी वीक पॉइंट था और उसका फायदा लेकर कुछ डंप वालों ने लाइसेंस ले लिए, और लाइसेंस लेने के बावजूद फिर क्या हुआ कि जो ईंट भट्टा एसोसिएशन थी उनका नुकसान का अंदेशा होके उन्होंने सरकार से क्या किया कि उसमें अमेंडमेंट करवा ली थी। अमेंडमेंट करवाने के बाद क्या हुआ, वो बाहर हो गए, केवल जिसके पास ईंट भट्टा अपना लगा हुआ वो ही ईंटों का व्यापार कर सकता था। लेकिन पीछे 2 साल पहले सरकार ने फिर उसमें हाईकोर्ट में लोग गए और हाईकोर्ट की डायरेक्शन पे सरकार ने उसमें संशोधन किया, और संशोधन करने के पश्चात क्या हुआ कि कोई भी आदमी जो ईंटों का व्यापार करना चाहता था उसको लाइसेंस दिया जाने लगा। लेकिन उससे एग्रीव्ड जो ब्रिक किल्न एसोसिएशन थी वो हाई कोर्ट गई, और वहां से वो जो अमेंडमेंट हुई थी उस पर स्टे लग गया। स्टे लगने के बावजूद फिर जो डंप के ऐसे लाइसेंस दिए गए थे वो रिन्यू नहीं किए गए और पिछले लाइसेंस कैंसिल हो गए। उसके पश्चात हमें शिकायत आई, पीछे नवंबर दिसंबर में भी आई थी, कि कुछ लोग ऐसे जो बिना लाइसेंस के जो भट्ठे वाले जो जिनके अपने भट्ठे नहीं है वो पंजाब से ईंटे लाकर बेच रहे हैं। तो हमने जनवरी माह में 8 लोगों के विरुद्ध FIR दर्ज की है पुलिस थाना नूरपुर में, और उनका वो चालान जो है वो पुलिस पेश करेगी कोर्ट में। इसके पश्चात अब दोबारा शिकायत आई है तो हम फिर एक बार इस तरफ ध्यान दे के कुछ कार्रवाई करेंगे। जहां तक डंप की बात है वहां तो हम कार्रवाई कर पाएंगे, लेकिन जो गाड़ियों से ट्रांसफर होती है उसमें हम एक्शन लेना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो जहां स्टोरेज करके बेच रहे हैं उनके विरुद्ध अवश्य कार्रवाई की जाएगी।